भाइयों और बहनों, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। देशभक्ति की इस भावना को अपनी इस खुद की कविता के माध्यम से उजागर करने वाले, ऊर्जावान, समर्पित, दृढ़ निश्चय वाले एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में उभरे हुए करोड़ों भारतीयों की आशा आकांक्षाओं के द्योतक, मजबूत इरादे जिनकी हमेशा असली ताकत रही है, वो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब अपने विचार आपके सामने प्रकट करेंगे। तालियों की गूंज के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, यहाँ के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद में मेरे गतिशील साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी जिन्होंने पिछले बहुत ही कम समय में टेक्सटाइल और हैंडलूम की दुनिया में एक नई क्रांति लाने का प्रयास किया है, ऐसे श्रीमान संतोष गंगवार जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का नेतृत्व कर रहे श्रीमान विजय सांपला जी, महाराष्ट्र के मंत्री श्रीमान विनोद तावड़े जी, श्री राजकुमार बड़ोले जी, संसद में हमारे साथी श्री रामदास आठवले जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज 11 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है और ये सुयोग है कि जयप्रकाश जी की जन्म जयंती के दिन मुझे आज मुंबई में विशेष करके बाबा साहब आंबेडकर के भव्य स्मारक निर्माण का, भूमि पूजन का सौभाग्य मिला है। ये सुयोग इसलिए है कि भारत के संविधान के जन्मदाता बाबा साहब आंबेडकर और भारत के संविधान का दुरुपयोग करते हुए भारत के लोकतंत्र पर खतरा पैदा करने का पाप जब इस देश में हुआ तो संविधान के स्पिरिट को बचाने के लिए, संविधान की भावनाओं को बचाने के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो लोकतंत्र के अधिकार दिए थे वो वापस लाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के खिलाफ जंग किया था और देश आपातकाल से मुक्त हुआ था। और उस अर्थ में मैं इस सुयोग को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं। आज यहां कई योजनाओं का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिल रहा है। दुनिया के किसी भी समृद्ध देश
तो ये एक बात बहुत ध्यान में आती है, उस देश का पोर्ट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है। समुद्री तट का देश हो और पोर्ट सेक्टर वाइब्रेंट हो, आप देखा होगा उस देश की इकोनॉमी और पोर्ट की वाइब्रेंसी साथ साथ चलती है। भारत को भी एक वैश्विक आर्थिक वातावरण में अपना स्थान बनाने के लिए, हमारे पोर्ट सेक्टर को मजबूत करने की आवश्यकता है, उसका विस्तार करने की आवश्यकता है, उसका विकास करने की आवश्यकता है, उसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। और मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे नितिन जी ने 15 महीने की छोटी अवधि में जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो पाए थे, ऐसे अनेक नए इनिशिएटिव लेकर के पूरे पोर्ट सेक्टर को नई ताकत दी है, नई ऊर्जा दी है और नई गति दी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की चर्चा होती है, आज मैं देख रहा हूं कि सिंगापुर के साथ 8000 करोड़ रुपयों की पूंजी निवेश से मुंबई को और हिंदुस्तान को पोर्ट सेक्टर का ऐसा एक नजराना मिल रहा है जो सिर्फ यहां के लोगों को रोजगार ही देगा ऐसा नहीं, विश्व व्यापार में हमारी साख बढ़ेगी। मेक इन इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो जो लोग इस देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगे उनको विश्व भर में अपना माल बेचने के लिए अच्छे पोर्ट सेक्टर की आवश्यकता होती है, अच्छे बंदरों की आवश्यकता होती है। हम जिस तेजी से काम कर रहे हैं उसके कारण मेक इंडिया के तहत जब देश में उत्पादन की परंपरा चलेगी और वो उत्पादित चीजें वैश्विक बाजार को पकड़ेगी, तब हमारे ये पोर्ट का डेवलपमेंट पीछे नहीं रहना चाहिए। और इसलिए एक तरफ मेक इन इंडिया और दूसरी तरफ विश्व व्यापार के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को वाइब्रेंट बनाना, हमारे देश में बंदरों का विकास कम अधिक मात्रा में हर कोई सोचता रहा है, लेकिन आज सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट से काम चलने वाला नहीं है। आज आवश्यक है पोर्ट लेड डेवलपमेंट, और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के आधार पर हमारे पोर्ट के साथ मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी हो, रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयरहाउसिंग का नेटवर्क हो। और इस काम के लिए हमारे देश के पूरे समुद्री तट को जोड़ने वाला एक सागरमाला प्रोजेक्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये सागरमाला प्रोजेक्ट की कल्पना की थी, लेकिन वो सरकार चली गई, बाद में जो सरकार आई उसका एजेंडा कुछ और था और उसके कारण वो विचार वहीं का वहीं रह गया था। हमारी सरकार बनने के बाद अटल जी के उस विचार को हमने मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। जो कोस्टल स्टेट हैं उनकी भागीदारी से, क्योंकि हम
कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इस पर बल दे रहे हैं। समुद्री तट के राज्यों का सहयोग हो, समुद्री तट के राज्यों के बीच स्पर्धा हो, कौन अच्छा पोर्ट बनाए, कौन अच्छे पोर्ट में आगे बढ़े, भारत सरकार और राज्य मिलकर के पोर्ट सेक्टर को कैसे डेवलप करें, उन काम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिसका काम का शिलान्यास किया है, हमारी ताकत बहुत बड़ी मात्रा में एक ही जगह पर बढ़ जाएगी और उसके कारण जो वारंटर के खर्च होते हैं वो कम होते हैं, प्रॉफिट का लेवल बढ़ता है तो एक्सपांशन का अवसर भी मिलता है, मजदूरों को सम्मानपूर्वक जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है, गरीब के कल्याण के लिए विकास का ये मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में और नितिन जी के नेतृत्व में हम पहुंच रहे हैं, हम विश्व में अपनी जगह बना रहे हैं। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास के अंदर भागीदारी कर रहा है, क्योंकि हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में दो क्षेत्रों का प्रभाव रहने वाला है, एक सामुद्रिक और दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी का। 21वीं सदी में ये दो क्षेत्र बहुत प्रभाव पैदा करने वाले हैं और इसलिए स्पेस हो या सी हो, भारत समय के साथ तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। हमारे नितिन जी के पास रोड भी है, महाराष्ट्र ने उनके काम को पहले भी देखा हुआ है, वो स्पीड में विश्वास करते हैं, पहले के समय पिछली सरकार में प्रति दिवस कितने किलोमीटर रोड बनते थे आज मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, इस विषय के जो रुचि रखते हैं जानकार लोग हैं वो जरूर खोज करके निकालें कि पर डे हमारे कितने किलोमीटर रोड बनते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व और संतोष के साथ कहता हूं कि नितिन जी ने जिस प्रकार से गति लाई है, औसत प्रतिदिन 15 किलोमीटर से ज्यादा रोड आज देश में बन रहे हैं और इसको और बढ़ाने का प्रयास है, क्योंकि विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना बहुत आवश्यक होता है और रास्ते जब बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि पैसे हैं इसलिए रास्ते बनते हैं, जब रास्ते बनते हैं तब पैसा बनना शुरू हो जाता है, ये रास्तों की ताकत होती है। मैं श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देना चाहता हूं, हमारे देश में कम से कम मेट्रो रेल टाइप काम डीपीआर बनाने हैं तो डेढ़ डेढ़ दो दो साल चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने 4 महीने के भीतर भीतर उसके डीपीआर तैयार कर दिए और जो इस फील्ड को जानते हैं उनको मालूम है कि 4 महीने में इतना बड़ा काम कागज पे बनाना ये हमारे देश के स्वभाव में नहीं है, हमारी व्यवस्था में नहीं है और उसको कोई बुरा भी नहीं मानता, सब मानते हैं हाँ भाई इतना तो समय लगता है, लेकिन उन सारी आदतों को छुड़वा करके देवेंद्र जी ने जिस तेज गति से मेट्रो का इस काम को बल दिया है, ये बदलते हुए शहरों के जीवन की अनिवार्यता बन गया है। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जिस प्रकार से हमारे शहर बढ़ रहे हैं, उन बढ़ते हुए शहरों को
कभी लोग संकट मानते थे, मैं बढ़ते हुए शहरों को अवसर मानता हूं। अर्बन ग्रोथ ये बोझ नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। और इसलिए हमारी सारी योजनाएं उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख करके होनी चाहिए। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने रेलवे में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसके दरवाजे खोल दिए हैं और उसका परिणाम ये आया है कि आज देश भर में से, दुनिया भर में से लोग भारत के रेलवे के अंदर अपनी पूंजी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। 400 के करीब रेलवे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी है, बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है लेकिन प्लेटफॉर्म के सिवा वहां कुछ नहीं है। टिकट विंडो है, रेस्ट रूम है, प्लेटफॉर्म है। क्या इसको मल्टी स्टोरी रेलवे स्टेशन नहीं हो सकते हैं क्या? आधुनिक से आधुनिक 100 मंजिला रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता क्या? हार्ट ऑफ द सिटी कितनी मूल्यवान जमीन होती है लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमने दिशा उठाई है 400 रेलवे स्टेशन जो हार्ट ऑफ द सिटी है कंट्री में, वहां पर अनेक प्रकार का डेवलपमेंट, नीचे ट्रेन चलती रहेगी, ऊपर उस पर डेवलपमेंट होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ये जो मेट्रो का काम है हजारों करोड़ रुपया लगते हैं लेकिन सुविधा बनती है। अब तो टेक्नोलॉजी भी काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई मिलती जा रही है, उसके कारण गति मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। और मैं इस काम के लिए श्रीमान देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। हमारे सुरेश प्रभु जी ने रेलवे में भी सचमुच में उत्तम काम करके दिखाया है। पहले रेलवे का एक्सपांशन, गेज कन्वर्जन, डीजल इंजन से इलेक्ट्रिसिटी इंजन की तरफ जाना, इन सारी बाबतों में एक उदासीनता थी। आज गति आई है और उसके परिणाम भी नजर आने लगे हैं आने वाले दिनों में। और जब मैं रेलवे की बात करता हूं तो बाबा साहब अंबेडकर को भी याद करता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने रेल नेटवर्क का सामाजिक मूल्यांकन किया था और उन्होंने कहा था कि समाज में जो छुआछूत का भाव है, ऊंच नीच का भाव है, दूरी बनाने का जो स्वभाव है, इसको तोड़ने का काम रेलवे करेगी। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने रेलवे का एक एनालिसिस किया था। मैं मानता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बाबा साहब आंबेडकर जिसमें सामाजिक एकता का अवसर देखते थे उसको भी चरितार्थ करने का एक कारण बन सकता। मुझे विशेष रूप से देवेंद्र जी को इस बात के लिए भी बधाई देनी है। हमारे देश में किसानों के लिए सिंचाई की जितनी व्यवस्था चाहिए वो नहीं हुई है। वे बारिश पर निर्भर उसकी जिंदगी है। अगर वर्षा नहीं हुई तो किसान बेचारा तबाह हो जाता है और अकाल उसके लिए एक ऐसा काल बनकर के आता है जो उसको जीना हराम कर देता है। अकाल के प्रति संवेदना व्यक्त करना, किसान के प्रति संवेदना व्यक्त करना, या तो दिल्ली में जाकर के भारत सरकार के पास मांगे रखना या राजनीतिक खेल खेलना, देवेंद्र जी उससे बाहर निकल करके
उन्होंने समस्या का समाधान खोजने का बहुत ही अभिनंदनीय प्रयास किया है। आज वो मुझे बता रहे थे कि करीब 6200 गांवों में जल संचय के 1,00,000 से ज्यादा छोटे 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 प्रोजेक्ट किए और उसके कारण पानी का संग्रह हुआ, नीचे वाटर टेबल कहीं ऊपर आए और उस इलाके के किसान रबी पाक ले सके, ऐसी आज परिस्थिति पैदा हुई और खर्चा ज्यादा नहीं हुआ। मुझे बताया गया कि करीब 1400 करोड़ रुपए में इतना बड़ा काम हो गया और मजा यह है कि 300 करोड़ रुपया लोगों ने जनभागीदारी में दिए। मैं उन जनभागीदारी करने वाले उन गांव के लोगों को लाख लाख अभिनंदन करता हूं, आपने देश को दिशा दिखाई। जल संचय संकटों से सामना करने का सबसे बड़ा शस्त्र होता है। मैं गुजरात में काम करता था, वहां तो रेगिस्तान है, वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जल संचय का अभियान चलाया हमने, 10 साल लगातार चलाया, लाखों छोटे छोटे चेक डैम बनाए और हमारा किसान संकटों से बचने में ताकतवर बना। लेकिन मैं दो और सुझाव देना चाहूंगा देवेंद्र जी को, कुछ नएपन से सोचना के लिए भी सोचे वो। एक, हमारे यहां मार्जिनल किसान है, बड़े किसान नहीं है, छोटे किसान है, लेकिन दो खेतों के बीच बाइफर्केशन के लिए, डिवीजन के लिए एक बहुत बड़ी बाड़ लगाते हैं। 1 मीटर जमीन उसकी खराब होती है, 1 मीटर जमीन इस वाले की खराब होती है और ऐसा 80 लाखों एकड़ भूमि हमारी बाड़ बनाने में ही चली जाती है। इन इलाकों में जहां बाढ़ है वहां पेड़ लगा करके टिम्बर की खेती, इस पर बल दिया जा सकता है क्या? और उस किसान को 15 साल 20 साल के बाद जब पेड़ बड़े होते हैं, अगर उसको हर साल एक पेड़ काटने का भी अवसर दिया जाए तो भी उसको 2-5 लाख रुपया टिम्बर का वैसे ही मिल जाएगा, उसको कभी इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ किनारे पर अपनी बॉर्डर पे। दूसरा एक उपाय यह भी है कि दो पड़ोसी किसान मिलकर के अगर सोलार पैनल लगा देते हैं, बिजली भी पैदा होगी, सरकार बिजली खरीद ले, किसान का खेत भी चलेगा, खेत में बिजली भी आएगी, किसान की काम करेगा। और एक काम है जिस पर हमारे महाराष्ट्र में खास करके विदर्भ में ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लगती है और वो हनी भी, शहद, हनी, मधु। खेतों में किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट है हनी का और वो खराब नहीं होता है, कितने ही साल रहे खराब नहीं होता है, उसकी एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमने उसको प्रेरित करना चाहिए। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक फार्मिंग, शहरों के नजदीक में अर्थवॉर्म महिलाओं की मंडलियां बना करके छोटे छोटे गड्ढे कर करके कूड़ा कचरा शहर का उसमें डालते जाओ, अर्थवॉर्म रख दो, केंचुए वो गंदगी भी साफ कर देते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर देते हैं, किसान की जो जमीन केमिकल फर्टिलाइजर और दवाइयों के कारण बर्बाद होती है उसको बचाने का काम होगा। हम मल्टीपल एक्टिविटी के द्वारा हमारे किसानों को मदद कर सकते हैं और मैं देख रहा हूं कि देवेंद्र जी जिस प्रकार से इनोवेटिव और सतत कर्मशील व्यक्ति के रूप में इन चीजों का इनिशिएटिव ले रहे हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के कृषि जगत में एक आमूलचूल परिवर्तन ला करके पूरे देश को एक नई दिशा देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन कामों के लिए
मैं उनको हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण कार्य करने का जो सौभाग्य मिला, एक प्रकार से मुझे लगता है ये काम ऐसा है जिसका सौभाग्य शायद हम लोगों को ही मिला हुआ है, और किसी के नसीब में पवित्र कार्य लिखा हुआ ही नहीं है। ये हिंदू मिल की जमीन मैं प्रधानमंत्री बना उसके बाद आई है क्या? पहले ही थी, लेकिन कुछ पवित्र काम करने का सौभाग्य हमारे हाथ में लिखा हुआ है, और इसलिए आज उस हिंदू मिल की जमीन पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का एक प्रेरणा स्थली बनने वाली है। ये चैत्य भूमि भारत में नई चेतना जगाने का एक कारण बनने वाली है। और आप देखिए, पंचतीर्थ का निर्माण, ये पंचतीर्थ का निर्माण आने वाले दिनों में, ये पंचतीर्थ जिनकी लोकतंत्र में आस्था है, जिनकी सामाजिक न्याय में आस्था है, जिसमें देश की एकता और अखंडता में आस्था है, उन लोगों के लिए ये तीर्थाटन के यात्रा के धाम बनने वाले हैं। ये पंच तीर्थ, इसका सौभाग्य हमें मिला। आप देखिए, मध्य प्रदेश में मऊ इतनी सरकारें रही, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब जाकर के उस जगह पर बाबा साहब का स्मारक बना, जीवंत तो स्मारक बना, और आज बाबा साहब के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए वो एक तीर्थ क्षेत्र बना। उसी प्रकार से दिल्ली में जहां बाबा साहब रहते थे, वो जगह अलीपुर रोड वाली 25 साल तक ये विषय फाइलों में लटकता रहा। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग इसके पीछे प्रयास करते रहे। अटल जी की सरकार ने उसको मुंह किया, लेकिन सरकार गई, बात फिर दबा दी गई। हम आए, हमने उस बात को हाथ में लिया, और कुछ महीने पहले मुझे अलीपुर रोड के बाबा साहब अंबेडकर के उस मकान में एक भव्य स्मारक बनाने का फाउंडेशन, उसका शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य स्मारक वहां बन रहा है। दिल्ली में जो भी लोग आएंगे और स्थानों पर जाते हैं, अब इस स्थान पर भी जाएंगे और बाबा साहब अंबेडकर ने कितना बड़ा योगदान किया था, ये उनके ध्यान आए। बाबा साहब अंबेडकर के माता पिता रत्नागिरी जिले के अंबेडकर गांव में रहते थे। हमारे एक सांसद ने उसे आदर्श ग्राम के लिए तय किया है, और महाराष्ट्र सरकार भी उसमें मदद कर रही है। जहां बाबा साहब अंबेडकर के माता पिता रहे, वो भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। और आज ये हिंदू मिल में एक नए स्मारक का निर्माण, और पांचवा
लंदन में जहां बाबा साहब अंबेडकर रहते थे वो भवन, अब हिंदुस्तान से कोई लंदन जाएगा तो प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनेगा। विश्व के लोग भारत के आर्थिक चिंतन को समझने के लिए लंदन में जो बाबा साहब रहते थे उस मकान के अंदर आकर के अध्ययन करके विश्व को भारत के संबंध में समझ लेकर के अपनी बात बताने का उनको अवसर मिलेगा। ये पंच तीर्थ निर्माण सिर्फ और सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हुआ है और हम सब जानते हैं। मुझे राजनीति नहीं करनी है लेकिन मेरे मन की पीड़ा में कहे बिना रह नहीं सकता हूं। क्या कारण है कि बाबा साहब अंबेडकर की पार्लियामेंट में जिस महापुरुष ने संविधान दिया उस महापुरुष का तैल चित्र पार्लियामेंट में रखने के लिए वो सरकारें सहमत नहीं थी दोस्तों। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनी, तब जाकर के बाबा साहब अंबेडकर का तैल चित्र हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लगा। भारत रत्न हम जानते हैं औरों को कब मिला, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिलाने के लिए नाको दम आ गया और वो भी उन लोगों के द्वारा नहीं मिला। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश में जिस प्रकार के एक सामंतशाही मानसिकता वाले लोग हैं वो एक दलित के बेटे को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। और मैं आज कई लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने अपना जीवन बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के पीछे खपा दिया है, मैं उनको भी आज कहना चाहता हूं, मेरी बात शायद कड़वी लगेगी लेकिन ये बात करने का मैं साहस करता हूं। अगर हम दीर्घ दृष्टि के अभाव में बाबा साहब को अगर सिर्फ दलितों का बाबा साहब बना देंगे तो उससे बड़ा बाबा साहब का कोई अपमान नहीं होगा, कोई अन्याय नहीं होगा। बाबा साहब न सिर्फ भारत के, विश्व के दलित पीड़ित शोषित वंचितों की प्रेरणा का नाम बाबा साहब अंबेडकर है। दुनिया मार्टिन लूथर किंग को तो जानती है लेकिन दुनिया बाबा साहब अंबेडकर को नहीं जानती है, यह हमारा दुर्भाग्य है और इसके लिए हम लोगों का दायित्व है कि विश्व बाबा साहब अंबेडकर किस परिस्थिति में पैदा हुए, कैसे पले बढ़े और इतना जुल्म सहने के बाद, इतना अपमान सहने के बाद किसी भी व्यक्ति के मन में लबालब जहर भरा रहना शायद कोई बुरा नहीं मानता। इतना अपमान झेलने के बाद कटुता होना कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन ये बाबा साहब अंबेडकर थे, जिंदगी के हर पल अपमान झेला, हर पल बाबा साहब को संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन जब खुद को निर्णय करने के अवसर आए कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले की भावना का नामो निशान नहीं था, किसी को मैं बता दूंगा ये भाव नहीं था, इससे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों मेरे जैसे लोग बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उस श्रद्धा भाव से देखते हैं।
मैं तो खुद के लिए कभी सोचता कभी कभी मेरे मन में विचार आता था क्या बाबा साहब आंबेडकर ना होते तो मोदी कहां होता। हम जैसे सामान्य लोगों को कौन पूछता, ये बाबा साहब आंबेडकर हैं जिसके कारण ये बातें संभव हुई हैं। और इसलिए मैं कहता हूं हम जो कर रहे हैं वो तो सिर्फ कर्ज चुकाने का एक प्रामाणिक प्रयास कर रहे हैं दोस्त। इस महापुरुष ने जो किया है और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है। लेकिन बाबा साहब ने जो हमें कहा है उससे हम अगर हटेंगे तो बाबा साहब के साथ घोर अन्याय होगा। बाबा साहब ने हमें कहा शिक्षित बनो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, शिक्षा उसके जीवन का सबसे प्रमुख धर्म बनना चाहिए जो बाबा साहब ने हमें सिखाया है। बाबा साहब ने हमें सिखाया संगठित बनो। आज मुझे खुशी है, अभी नितिन जी कह रहे थे कि दलित समाज के सभी अलग अलग दिशा में काम करने वाले आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। बाबा साहब के इसलिए बड़ी श्रद्धांजलि यही है हम संगठित बने, हम एक बने और अन्याय के खिलाफ जो संघर्ष की बात आए तो उसके लिए भी हम तैयार रहे। यही हम लोगों को बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों आज इंदू मिल में बाबा साहब का जो स्मारक बन रहा है, मेरे मन में एक इच्छा है, मैंने अध्ययन तो नहीं किया है लेकिन जिस दिन मैंने जमीन दी थी तो दिन भी मैंने कहा था, आज आर्किटेक्चर मिले तब भी मैंने कहा, मैंने कहा मुंबई या महाराष्ट्र में आया हुआ व्यक्ति जिंदगी से तंग आया गया हो, परेशान हुआ हो, तो यहां ऐसी जगह बननी चाहिए कि वो घंटे भर वहां बैठे एक शांति का एहसास लेकर के जाए, ऐसी जगह बननी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा जहां स्मारक बने साथ साथ ये विशाल भूमि है वहां एक घना जंगल बनाना चाहिए, इतने पेड़ लगाने चाहिए, इतनी हरियाली कर देनी चाहिए कि एक शांति की भूमि सचमुच में बन जाए। और ये बन सकता है, ये बन सकता है। और मैं देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि ये स्मारक सिर्फ ईंट माटी पत्थर चुने तक सीमित ना रहे, वो तो भव्य होना ही चाहिए, दुनिया के लोगों के लिए अजूबा होना चाहिए, लेकिन इसको जन भागीदारी से जोड़ा जा सकता है क्या? महाराष्ट्र में 40,000 गांव है, हर गांव से लोग आए और उनको जो बताया गया हो वो पौधा लेकर के आए और वहां पर हर गांव का एक पौधा लगे और वो गांव भी उसके लालन पालन के लिए गांव समस्त की तरफ से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया कलेक्ट करके एक पेड़ लगाए और 11,000 रुपया दान दे। आप देखिए कितनी बड़ी जन भागीदारी से काम हो सकता है। हर गांव को लगेगा कि चैत्य भूमि में इंदू मिल के मैदान में जो स्मारक बना है बाबा साहब आंबेडकर के प्रति हमारे गांव की भी श्रद्धा है, हमारा भी एक पेड़ उस गांव में लगा है। दूसरा, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से एक पेड़ मंगवाया जाए, वो पेड़ भी लगाया जाए और दुनिया के सभी देशों से, हर देश से एक पेड़ मंगवाया जाए और ये विश्व महापुरुष थे उनका भी एक पेड़ लगाया जाए दुनिया का और वहां लिखा जाए। सारा विश्व इंदू मिल के
इस हरियाली के साथ कैसे जोड़ा जाए। अगर हम नई कल्पना के साथ, जन सामान्य को जोड़ने के विचार के साथ इस स्मारक को बनाएंगे, हिंदुस्तान में शायद कभी किसी महापुरुष का ऐसा स्मारक नहीं बना हो जहां पर 40,000 गांव सीधे सीधे जुड़े हो, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ये हो सकता है। और महीने भर हर सप्ताह गांव के लोग आते चले, वहां रहे, चैत्य भूमि जाए, देखें, इंदू मिल जाए, जहां डिजाइन हो वहीं पर पौधा लगाए, जो पौधा का सैंपल तय किया हो वही लगाए, आप देखिए कैसे क्या हो सकता है। और इसलिए ये अपने आप में ये प्रेरणा स्थली बनी चाहिए। और इसलिए मैंने कहा हम ये पंच तीर्थ निर्माण कर रहे हैं। ये पंच तीर्थ लोकतंत्र पर आस्था रखने वालों के लिए, संविधान को स्वीकार करने वाले लोगों के लिए, सामाजिक एकता के लिए जीने वालों के लिए वे तीर्थ क्षेत्र बनेंगे। भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोगों के खिलाफ झूठ फैलाना, अफवाहें फैलाना, लोगों में भ्रम फैला करना, इसके लिए टोली लगातार लगी रहती है, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाते कैसे लोग कैसे आ गए। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान में जिन राज्यों में सर्वाधिक दलित जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या है, जिन राज्यों में सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या है, उनमें से अधिकतम राज्य ऐसे हैं जहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है। महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, उड़ीसा हमारा एनडीए का पार्टनर है, हमारा झारखंड हो, अधिकतम। इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर के साथ तत्वतः जुड़ करके काम करने वाले कोई लोग हैं तो हम लोग हैं, और समाज के ये दलित, पीड़ित, शोषित आज हमें स्वीकार करते हैं, इसका ये जीता जागता सबूत है। दूसरा, जब भी हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी ऐसा ही बाउंडर खड़ा कर दिया गया था। अटल जी की सरकार में बैठे लोगों कह कह करके थक गए, लेकिन ये झूठ फैलाने वाली टोली मुंह बंद करने को तैयार ही नहीं थी। फिर एक बार जब हम राज्यों में चुन करके आते हैं तो राज्यों में चालू कर देते हैं, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। फिर हमारी दिल्ली में सरकार बनी, फिर तूफान खड़ा कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें जो दिया है उसी ने देश को एक ताकत दी है, और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है, मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए मैं ऐसा भ्रम फैलाने वाले लोग आज तक कोई राजनीतिक फायदा ले नहीं पाए, लेकिन समाज में वही मनुष्य पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, समाज को भ्रमित करते हैं। मैंने गरीबी देखी है, मैं उस दर्द को जी चुका हूं, और मुझे मालूम है समाज की इस अवस्था में जीने वालों के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। और ये देश दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, इनको छोड़ करके आगे नहीं निकल सकता है। और मेरी सरकार, मुझे जब संसद के अंदर नेता के रूप में चुना गया, अभी प्रधानमंत्री बना नहीं था, उस दिन मेरा भाषण है कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों के कल्याण के लिए मैं जिएंगे, देश में गरीबी से मुक्ति चाहिए। गरीबी से मुक्ति के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं,
हमारा मार्ग है वह देश पूरी तरह जानता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह अपप्रचार बंद होना चाहिए, यह झूठ बंद होना चाहिए, समाज को आशंकित भयभीत करने का खेल बंद होना चाहिए। इससे राजनीति नहीं होती है। आइए मिल बैठ करके चले, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, गांव का हो, उनको आगे बढ़ाए बिना देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस मूल मंत्र को लेकर के, समाज के सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का इरादा लेकर के देश चल रहा है। राज्यों में जहां हमें सेवा करने का मौका मिला है, हम पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमें सेवा करने का मौका मिला है, जी जान से जुटे हुए हैं और बदलाव ला के रहेंगे, ये विश्वास मैं प्रकट करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा बाबा साहब अंबेडकर, आप बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। 26 नवंबर भारत के संविधान का महत्वपूर्ण दिवस है, बाबा साहब के जीवन का महत्वपूर्ण दिवस है। और इसलिए भारत सरकार ने 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाना तय किया है। और हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को स्कूल कॉलेज में ही संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, ये बात बताने का ये रेगुलर व्यवस्था होनी चाहिए। और इसलिए हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।